मेरा जो मेन एंड मेजर थीम है वो थर बॉय के एंटाइटलमेंट पर है, और थर बॉय के सिलेक्शन मेरे मैंने अलामतन ली है अपने एहसासात को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक ऐसा बच्चा जो स्ट्रगलिंग पोजीशन में है, जो जद्दोजहद कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है और जिसके काम में बड़ी मुश्किलात हैं ज़िंदगी के हवाले से, तो मेरा यही था कि मैं ऐसे बच्चों को सिलेक्ट करूं अपने मॉडल्स के तौर पर। थर एक ऐसा एंशिएंट रीजन है इस खित्ते में, ख़ासतौर पर सिंध में, कि जो सदियों पुरानी रवायात और तरीक़ेकार ज़िंदगी की जो के जो रसूम व रिवाज हैं वो सारे के सारे वहाँ वही एंशिएंट तरीके से चलते आ रहे हैं, और वहाँ का वेदर भी कुछ बहुत हार्श है गर्मियों में भी और सर्दियों में भी। तो ऐसे रीजन में एक बच्चा किस तरह की जद्दोजहद कर रहा है, वो कैसे स्कूल मेंटेनेंस में जा सकता होगा, उनके वालदैन उनके लिए किस तरह के एफर्ट्स लेते होंगे और किस किस मुश्किलात से वो बच्चा गुजरता है। एक ऐसा अलामती बच्चा जो पूरे पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है बुनियादी तौर पर। आप बलूचिस्तान चले जाएंगे तो इस तरह के न जाने कितने बच्चे मिलेंगे आपको। तो मैंने इनको रिप्रेजेंट करके एक ऐसा शुआर देने की कोशिश की है कि ये बच्चे महज बच्चे नहीं हैं, ये इस मुल्क के मामार हो सकते हैं। मेरा फोकस महज ये नहीं कि मैं जो है सिर्फ और सिर्फ इन बच्चों को रिप्रेजेंट करूं, बल्कि मेरा फोकस ये है कि मैंने वाटर कलर्स में इनको कैसे रिप्रेजेंट किया है। वाटर कलर इट्सेल्फ इज़ ए टेक्निक जिसके थ्रू आप अपने एक्सप्रेशंस को रिलीज़ करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव वर्क्स हैं तो वो सारे के सारे इमेजेस, बड़े पॉपुलर इमेजेस हैं, बड़े फेमस इमेजेस हैं जिनको मैंने ट्रांसफॉर्म किया है वाटर कलर टेक्निक में।